हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेटेज की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है, कभी कभार 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन डिजाइन भी होते हैं, खासकर स्पेशली जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हुआ था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन का, वहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होकर के 2 बार आ चुका है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ डिजाइन हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ डिजाइन हो जाता है। डीएनए आरएनए से तो आसान क्वेश्चन आता है, आरएनए से भी एक क्वेश्चन आ जाए, पिछली बार भी आया था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से या ट्रांसलेशन से या रेप्लिकेशन से, ये 3 हेडिंग से कुछ ना कुछ चीज़ें डिजाइन होकर के, और आखिरी में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दिया है, उसके भी कुछ फ्री के सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा सवाल बन जाएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन आसान सवाल इन जनरल आ रहा है और वो आपका सही हो जाएगा। तो अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर, इसके पहले वाला, ये दोनों मिला करके लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ठीक है, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। इन प्रीवियस चैप्टर, पहला जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ पैटर्न, मेंडल के समय में नेचर ऑफ जो फैक्टर था वो बहुत क्लियर नहीं था। फिर अगले 100 साल लग गए ये पता करने में कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो वास्तव में क्या है, और अंततः खोज कहाँ पहुंची, डीएनए तक, और पता चला यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसमें, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिन। करा क्लास 11th में आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। फिर डीएनए और आरएनए दोनों, ये 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग सिस्टम में। डीएनए का मेन काम है वो जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम करने का, लेकिन आरएनए भी कभी कभार काम कर सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल इन। तो इन जनरल जो बात है कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कभी कभार आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तरीके से काम कर सकता है। लेकिन आरएनए का जो मोस्ट फंक्शन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर। ये अच्छा सवाल है, आरएनए का मेन काम क्या है, तो आंसर देंगे ये मैसेंजर, लेकिन आरएनए कुछ और काम भी कर सकता है, जैसे ये एडाप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से काम करेगा जैसे टीआरएनए, ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के तरीके से काम करेगा जैसे आरआरएनए, ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी होता है जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए के बारे में यहाँ जो काम की बात लिखी है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कभी कभार आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, जैसे वायरस एक क्वेश्चन, लेकिन आरएनए का मेन काम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए का मेन काम मैसेंजर की तरीके से काम करना है, लेकिन आरएनए कुछ और काम भी कर सकता है जैसे एडाप्टर, जैसे स्ट्रक्चरल, जैसे कैटालिटिक। ठीक है, क्लास 11th में आपने पहले से ही पढ़ चुका है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, और वो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ये सब जनरल कहानी दी है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग भी पढ़ेंगे, ये सब चीजें क्या पढ़ेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। काम की बात ये है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, कुछ वायरस में आरएनए है, आरएनए का मेन काम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए का मेन काम मैसेंजर है, इसके साथ वो कर सकता है स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक या क्या है, एडाप्टर। चलिए इस चैप्टर में पहले डीएनए दिया हुआ है और डीएनए के बारे में बहुत कुछ है, अक्षयों से वो जब कहानी है जो 11th में दी थी वही 12th में यहाँ रिवाइज है, थोड़ा सा उससे बेहतर दिया है। डीएनए क्या है, तो पहले से आपको बताओगी ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। लेंथ ऑफ डीएनए किस बात पर डिपेंड करेगी, तो कहोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, भाई कम न्यूक्लियोटाइड तो कम लेंथ, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्यादा लेंथ, या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हो, क्योंकि अगर डीएनए होगा तो बेस पेयर होंगे प्रेजेंट इन इट। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे वो उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, इसका नाम
साई 174 है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? तो 5386। वैसे बैक्टीरियोफेज दूसरा जिसका नाम लैम्डा है, इसमें कितने हैं? 4850। क्या, लेकिन याद रखिएगा ये बेस पेयर है, तो चाहे बेस पेयर कहो चाहे न्यूक्लियोटाइड पेयर कहो, तो अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो डबल कर दीजिएगा। यहाँ सिर्फ न्यूक्लियोटाइड दिया है और यहाँ यहाँ बेस पेयर दिया, तो अगर न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो डबल कर दीजिएगा। इसी तरीके से ई कोलाई की बात करें तो 4.6×10^6 बेस पेयर है, तो अगर न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो डबल कर देंगे। इसी तरीके से ह्यूमन डीएनए की अगर बात करें स्पेशली किसमें, हैप्लोइड सेल में, तो होगा 3.3×10^9, तो अगर डिप्लॉयड पूछेगा तो, पिछली साल ही पूछा है 6.6×10^18, यहाँ थोड़े डबल कर दोगे, यहाँ केवल डबल कर दोगे, ठीक है 6.6×10^9, ये लास्ट ईयर आया है नीट में। तो ये इस पैराग्राफ में जो दिए इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रटने वाले सवाल हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड का नंबर उसकी करेक्टर होती है, जैसे तो जैसे में पहला साई 174 में 5386, इसी तरीके से लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48502 होता है, ई कोलाई में 4.6×10^6 है, 9 मत कर दीजिएगा, और ह्यूमन में कितना है 3.3×10^9। ये तो रटने वाला पैराग्राफ था। किसी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता वो देखिए, सब पहले से ही पता है। लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए या आरएनए। किसी एक न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पेंटोज शुगर, वो शुगर राइबोज होगी आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए में, और क्या होगा साथ में फास्फेट ग्रुप। दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते, एक का नाम प्यूरीन, और प्यूरीन में कौन, एडनीन और ग्वानीन, और पिरिमिडीन। ये टिक कर लीजिए, आया हुआ सवाल है, ये नीट में आ चुका है। कौन सा है, ध्यान सुनिएगा, कौन सा पिरिमिडीन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में है? तो साइटोसिन वो पिरिमिडीन है जो कॉमन है क्या डीएनए और आरएनए, और कौन सा पिरिमिडीन है जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट है डीएनए में, कौन थायमिन, तो कौन सिर्फ आरएनए में। ये एग्जामिनर ये पांचों क्वेश्चन पूछ चुका है, प्यूरीन प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, तो ये दोनों आंसर दोगे ना, एडेनिन भी, और कौन सा प्यूरीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में है, तो आंसर दो, अच्छा साइटोसिन दे दोगे, कौन सा प्यूरीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में है, एडेनिन, और कौन सा पिरिमिडीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में है, कौन सा पिरिमिडीन है जो सिर्फ डीएनए में है, और कौन सा पिरिमिडीन है जो सिर्फ आरएनए में है, बस इतने क्वेश्चन। यूरेसिल की बात करें, यूरेसिल केवल किसमें है, आरएनए में है, किसकी जगह है, थायमिन। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच होता है, तो कहोगे OH एट द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, किस बॉन्ड के द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इससे बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड। जैसे अगर एडेनिन जुड़ जाएगा तो एडेनोसिन, लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो क्या बनेगा, डीऑक्सी एडेनोसिन, मतलब ये बनेगा आरएनए में और ये बनेगा डीएनए में। अगर ग्वानिन जुड़ा तो ग्वानोसिन, और अगर राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज में जुड़ा तो डीऑक्सीग्वानोसिन। ऐसे ही साइटिडीन या यूरिडीन या डीऑक्सीयूरिडीन बना दोगे, डीऑक्सीयूरिडीन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो आरएनए में ही है, हाँ उसकी जगह क्या बनेगा, डीऑक्सीथायमिडीन। और जब कभी फास्फेट जोड़ दोगे कहाँ, OH एट फिफ्थ कार्बन, तो टोटल न्यूक्लियोसाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोस्टर लिंकेज के नाते, किसमें, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा ये फास्फोडाइस्टर नहीं है, ये फास्फोस्टर है। ये हो गई पेंटोज शुगर, ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, और यहां पर OH है। ये वाला OH हटा दीजिए और यहां नाइट्रोजनस बेस लगा दीजिए, और ये वाला OH हटा दीजिए और यहां फास्फेट लगा दीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये OH अगर हटा देंगे, ये अगर ये OH हटा देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, तो डीऑक्सी में जो बने हैं उसमें ये वाला OH नहीं होगा,
सेकंड नंबर का OH एब्सेंट होता है किसमें, डीऑक्सीराइबोज में, और प्रेजेंट होता है किसमें, राइबोज में। फिर आगे बढ़ते हैं, जब फास्फेट जुड़ जाता है कहां, OH एड कहां, फिफ्थ कार्बन, किस बांड के द्वारा, फास्फोएस्टर लिंकेज के द्वारा, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये इस बात पर कि सुगर कौन सी थी, अगर राइबोज है तो न्यूक्लियोटाइड, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़े जाएंगे, ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या गलती हो जाती है, ये सब बच्चे को रटा है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं तो तुरंत आप ये आंसर देते हो, कौन सा, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। लेकिन पूरी बात ये लिखी है, क्या, 3-5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज। इसका मतलब होता है कि पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन। इधर देखें, मान लेते हैं ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का ये पांचवा कार्बन जहां फास्फेट लगा, ये पहला कार्बन जहां नाइट्रोजनस बेस लगा, ये पहला कार्बन जहां नाइट्रोजनस बेस लगा, ये पांचवा कार्बन जहां फास्फेट लगा, ये तीसरा कार्बन जहां OH लगा, ये तीसरा कार्बन जहां OH लगा। ध्यान से देखिएगा, ये तीन नंबर पोजीशन है और ये पांच नंबर, अगर ये जुड़ जाएं, अगर ये जुड़ जाएं तो यहां पहले से ही एक एस्टर बांड बना है, यहां पहले से ही एक एस्टर बांड बना है, ये फास्फोएस्टर बांड है ना, अगर इधर भी जुड़ जाएगा तो फास्फोडाई। तो याद रखिएगा, फास्फोडाईस्टर लिंकेज 3-5 होता है, कौन सा होता है, 3-5 फास्फोएस्टर लिंकेज या फास्फोडाईस्टर लिंकेज। ये किसके किसके बीच है, तो कहोगे पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवे कार्बन के बीच बना है, इस नाते नाम इसका क्या, 3-5 है, 5-3 मत करिएगा, कौन सा है, 3-5 फास्फोडाईस्टर लिंकेज। दो जुड़ेंगे तो क्या कहोगे, एक और जोड़ दो, अब एक और यहां जोड़ दोगे तो ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा जोड़ते चले जाओ, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे ऐसे ही माइनर में, तो बनेगा क्या, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। दस ए पॉलीमर फाउंड हैज एक एंड, ध्यान से देखना, चाहे जितनी लंबी चेन इधर जोड़ते चले जाओ, इधर देखो क्या फ्री है अभी, फास्फेट, और यहां क्या फ्री होगा, इधर जो होगा उसका ये OH फ्री होगा, ये फास्फेट कितने नंबर चेन पर फ्री है, पांच नंबर कार्बन पर, और ये OH कहां फ्री है, तो अगर हम चेन ऐसे लिख दें तो इस किनारे क्या फ्री मिलेगा, पांच, और इस किनारे क्या मिलेगा, थ्री। फाइव डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है फ्री फास्फेट एट फिफ्थ कार्बन, और थ्री डैश क्या बता रहा है, फ्री OH एट थर्ड कार्बन। एक किनारे पर होगा फ्री फास्फेट, एक किनारे पर होगा फ्री OH, जिस किनारे पर फ्री फास्फेट होगा वो पांच नंबर कार्बन पर होगा तो वो फाइव डैश होगा, और जिस किनारे पर OH फ्री होगा वो तीन नंबर कार्बन तो वो थ्री डैश होगा। किसी एक पॉलीमर में एक किनारे पर फ्री क्या होगा, एक किनारे पर फ्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक किनारे पर फ्री क्या होगा, फास्फेट, किस पोजीशन पर, फाइव डैश एंड ऑफ सुगर, और उसी का नाम क्या हो जाएगा, क्या, फाइव डैश एंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहां एक एसर्शन रीजन बनेगा, किसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के एक किनारे को फाइव डैश एंड कहते हैं तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है फ्री फास्फेट एट फाइव डैश। तो फिर दूसरे किनारे पर फ्री क्या है, OH, कितने नंबर पर, तीसरे कार्बन पर, और उसी का नाम क्या होगा, थ्री डैश। तो याद रखिएगा, यहाँ एसर्शन रीजन बनेंगे, दो हैं, एक किनारे को थ्री डैश कहते हैं, एक किनारे को फाइव डैश कहते हैं, ये पहली बात है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, एक किनारे पर फ्री फास्फेट है कितने नंबर पर, पांच नंबर पर, एक किनारे पर OH फ्री है कितने नंबर पर, तीन नंबर पर। बैकबोन की अगर बात करें तो बैकबोन किसकी बनी होगी, देखो ये होगा फास्फेट, फिर ये होगा क्या, सुगर, फिर ये होगा फास्फेट, फिर क्या होगा, सुगर, फिर होगा फास्फेट, फिर होगा क्या, सुगर, आखिरी में इधर फ्री क्या मिलेगा, OH मिल गया। तो अगर बैकबोन की बात, और इसी सुगर से इधर की तरफ क्या लगे होंगे, इधर की तरफ क्या लगे होंगे,
नाइट्रोजिनस। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बैकबोन किसकी बनी है, तो आप कहोगे सुगर, फिर फास्फेट, फिर सुगर, फिर फास्फेट, फिर सुगर, फिर फास्फेट, आखिरी में इस किनारे क्या मिलेगा, सुगर, और उस किनारे क्या मिलेगा, फास्फेट मिलेगा। ठीक है, तो बैकबोन किसकी बनी है, तो आंसर देंगे सुगर और फास्फेट। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे जुड़े होंगे, सुगर से, और प्रोजेक्ट होंगे कहां से, बैक बोन से। लेकिन जब हम आरएनए में जाएंगे तो एवरी न्यूक्लियोटाइड में एक एडिशनल ओएच मिलेगा, कहां, तो कहां मिलेगा, आंसर देंगे सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज। आरएनए में एक और अंतर होगा, यूरेसिल मिलेगा किसकी जगह पर, थायमिन, और थायमिन, थायमिन का ही असली नाम क्या है, 5-methyl uracil। तो यूरेसिल में मिथाइलेशन कर दीजिए, यूरेसिल में मिथाइलेशन कर दीजिए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थायमिन, और थायमिन में से मिथाइल हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, यूरेसिल। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, टिक कर लीजिए। डीएनए एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, तो याद रखिए एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के नाम नहीं दिए, बहुत सीमित हैं, एक पेज पर या दो पेज पर सारे साइंटिस्ट इकट्ठा लिख डालिए, ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे तो लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे, सारे साइंटिस्ट एक साथ लिख लीजिए, हर दूसरे चौथे दिन आप उनको रिवाइज करते रहिए, एक क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन साइंटिस्ट का भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये मिल गए कौन, फ्रेडरिक। इस चैप्टर में तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, या तो यहाँ साइंटिस्ट या तो साइटोलॉजी में साइंटिस्ट हैं। कब खोजा, 1869। इन्होंने लेकिन नाम क्या दे दिया था, न्यूक्लिन। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, उतनी बढ़िया नहीं थी टेक्निक कि पॉलीमर को आइसोलेट कर सको, इसको अच्छे से देख सको, तो ये छिपा रहा कितने दिनों तक, बहुत दिनों तक। फिर 1953, जरा देखो कितना समय बीत गया, अरे लगभग लगभग थोड़ा और बढ़ता तो 100 साल हो जाता। ठीक है, लगभग लगभग 100 साल के आसपास फिर वैज्ञानिक आए, कौन और कौन, याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या दिया, क्या दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। यहां बहुत सवाल है, किसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया, किस आधार पर दिया, किस पर दिया, तो कहेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, और एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसका था, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंक। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। पहला सवाल, एसिडिक मटेरियल को खोजा किसने था, फ्रेडरिक मिस्चर, कब खोजा था, फिर उसके बाद उसका सबसे पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताया और किस साल बताया, किस आधार पर बताया, और वो किसने बताया, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन। ये क्वेश्चन है सब एग्जाम में आने वाले। इनके मॉडल की एक बहुत विशेष बात है, हॉलमार्क मतलब बहुत विशेष बात, क्या, इन्होंने कहा था प्रपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन क्या, टू स्ट्रैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। लेकिन ये प्रपोजिशन बेस पेयरिंग का, ये भी किस पर बेस्ड है, तो इनका अपना खोज कुछ नहीं था, इनकी अपनी खोज नहीं है, इन्होंने कुछ कहां से ले लिया, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन से, और कुछ किससे ले लिया, अरविंद चारगाफ से, और नियम बता दिए, बस इतना किए। तो जो ये प्रपोजिशन है बेस पेयरिंग वाला, ये किस पर आधारित था, तो आंसर क्या देंगे, ये आधारित था किसके ऑब्जर्वेशन पर, अरविंद चारगाफ। इन्होंने ही कहा था कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो रेशियो होता है किसका, एडेनिन और थायमिन का, या ग्वानिन एंड साइटोसिन का, ये कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनेंगे, कब दिए थे इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल, 1953 में, किस आधार पर दिए थे, वो किसका था, है? नाम नहीं बोल रहे हो, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन। इनके मॉडल की सबसे विशेष बात थी बेस पेयरिंग, उसका क्या आधार था, तो कहोगे ऑब्जर्वेशन किसने दिया था, अरविंद चारगाफ, उनका क्या कहना है, क्या है, एडेनिन और थायमिन का, एडेनिन और थायमिन का रेशियो, और ग्वानिन और
साइटोसिन का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता और वन होता। बेस पेयरिंग बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की। इस बेस पेयरिंग को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देयरफॉर इफ अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर हमको एक बेस सीक्वेंस मिल जाए एक स्ट्रैंड का तो हम बता सकते हैं क्या? सीक्वेंस ऑफ अदर। तो ये एसर्शन रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एसर्शन आ जाए, अगर एसर्शन आ जाए कि एक डीएनए स्ट्रैंड के सीक्वेंस हमको पता हो तो हम दूसरे के सीक्वेंस बता सकते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है? तो रीजन है कि एक डीएनए स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? दूसरा, क्योंकि यहां कौन सा ला चल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री के नाते हम ये काम कर सकते, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसके नाते? कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि अगर एक पर हम ए लिखेंगे तो इधर तुरंत आप क्या लिख दोगे? टी लिख दोगे। इफ ई स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, लेट अस कॉल इट एज ए पैरेंटल डीएनए, अगर इसको हम टेम्पलेट मान ले सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, तो दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनेंगे, उनको हम कहेंगे क्या? डॉटर। प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द क्या? पैरेंटल डीएनए। बिकॉज ऑफ दिस क्या? जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। यहाँ जितने पॉइंट लिखे सब इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ ही लेता है एग्जामिनर। पहली बात, डीएनए की सबसे खास बात यह है कि इसमें क्या है? दो माली पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एक क्वेश्चन, बैकबोन किसकी बनी? पहले से पता है क्या? सुगर फास्फेट। इसमें बेस प्रोजेक्ट है किधर की तरफ? इधर देखो, एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो बेस इधर की तरफ है ना। इसमें बेस इधर की तरफ है कि इधर की तरफ बेस है? अंदर की तरफ। ये अंदर बाहर वाला भी पूछा गया है सवाल। दो चेन एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। मतलब एक चेन की अगर पोलैरिटी क्या है? 5-3-, तो दूसरे की पोलैरिटी, मतलब अगर इसको लिखेंगे 5-3-, तो इसको लिखेंगे क्या? 3-5-. बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू किसके द्वारा? हाइड्रोजन बांड। उससे बनेगा क्या? बेस पेयर। याद रखना है दो हाइड्रोजन बांड किसके बीच है? विद थायमिन एंड किसके किसके बीच है? एडेनिन और थायमिन। इसी तरीके से तीन हाइड्रोजन बांड ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने मिलेंगे? तीन हाइड्रोजन। प्यूरीन हमेशा किसके सामने आता है? पिरिमिडीन के आते आता है। और ये बात देखिए लिखा है, दिस जनरेट क्या? यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू स्ट्रैंड। ये एसर्शन है। तो रीजन, डीएनए के दोनों स्टैंड के बीच डिस्टेंस यूनिफॉर्म होती है, ये एसर्शन है। रीजन, तो रीजन यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बना नहीं सवाल अभी तक, लेकिन चूंकि एसर्शन रीजन हर बार नया बना रहा है, तो यहां एसर्शन रीजन बन सकता है कि दोनों स्टैंड के बीच क्या होता है? दोनों स्टैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, इसी नाते उनके बीच यूनिफॉर्म डिस्टेंस होती। दोनों चेन क्वाइल्ड करती है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। कौन से फैशन में? कौन से? राइट हैंडेड फैशन में। पिच रट लीजिएगा, पिच ऑफ हेलिक्स कितनी होती है? आंसर देंगे 3.4 नैनोमीटर। अब वो नैनोमीटर क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। रफली याद रखेंगे 10 बेस पेयर इन 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना होगा, तो आंसर क्या देंगे? तो यहां रटना है, एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? 10। पिच में कितने बेस पेयर हैं? अच्छा, फिर से एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं? पिच में कितने बेस पेयर हैं? अरे भैया, एक ही टर्न पिच है, एक टर्न ही क्या है? पिच है। तो चाहे ऐसे कहे कि पिच की लंबाई कितनी है? 3.4। जब पिच की लंबाई 3.4 है, इसका मतलब उसमें 10 बेस पेयर है। तो एक टर्न कहो चाहे एक पिच कहो, कितनी? 3.4। दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34। ये सब नैनोमीटर में है, अगर एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो 3.4 34 हो जाएगा और ये 3.4 हो जाएगा। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर ये स्टाक करता है ओवर अदर बेस पेयर इन डबल हेलिक्स। लिखा है काम की बात, इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा दिस, दिस का मतलब, दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब ये, दिस कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डीएनए के हेलिक्स की स्टेबिलिटी कहां से आती है? तो उसके दो रीजन बताओगे, एक तो सामने लिखा है, एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर पे रखा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेबिलिटी के दो कारण है। कंपेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई क्या रहती है, सेम रहती है। यहां से डीएनए खत्म, नई कहानी शुरू हो गई। प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और इसकी सिंप्लिसिटी एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी, चमत्कारिक हुआ। लेकिन जल्दी ही फ्रांसिस क्रिक क्या हो गए, अलग हो गए। कौन थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, दो लोग थे ये। अकेले इन्होंने क्या बताया, तो याद रखेंगे इन्होंने प्रपोज किया सेंट्रल डॉग्मा इन ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो कहती है क्या, कहती है क्या कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से अगर डीएनए बना, डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बना तो, और आरएनए से प्रोटीन बना तो, इसमें एंजाइम याद रखिएगा। एंजाइम के नाम याद रखना बड़ा आसान है, जिस चीज से बनता है वो डिपेंडेंट होता है और जो बनता है वो पॉलीमरेज होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो ये डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो यहां लिखोगे डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से आरएनए बना है तो जैसे डीएनए से आरएनए बनेगा तो अभी भी डिपेंडेंट क्या होगा, अभी भी डिपेंडेंट डीएनए है, लेकिन अब पॉलीमरेज अब हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुनेंगे, जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट, जो बनेगा वो पॉलीमरेज। तो डीएनए से डीएनए बना तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पर, और अगर आरएनए से डीएनए बना ले आरएनए डिपेंडेंट डीएनए। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन मिलते हैं, बातचीत ना करें। एक क्वेश्चन खूब आता है, निम्नलिखित में से कौन है जो सेंट्रल डॉग्मा का पालन नहीं करता है? तो सेंट्रल डॉग्मा का पालन कौन नहीं करता है? वायरस नहीं करते। क्यों? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस दिशा में है? रिवर्स डायरेक्शन, मतलब आरएनए से कहां जाएगी डीएनए। तो एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पैकेजिंग आ गया है, लेकिन एक चीज छूट गई है जो काम की है, जो एनसीईआरटी दी नहीं है, और उसके क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं किसके? चारगाफ रूल के। तो चारगाफ रूल में दो बातें जरा समझ लीजिए क्या है। चारगाफ ने क्या कहा है? तो चारगाफ ने सिर्फ इतना कहा है, अभी लिखना नहीं, क्यों सुन लो इसको, सिर्फ इतना कहा है कि जो प्यूरीन है उसकी पेयरिंग, बेटा बातचीत ना करो भाई, आवाज ना आए, प्यूरीन की पेयरिंग पिरिमिडीन से होती है। एक बात तो इन्होंने ये बताई, जब प्यूरीन की पेयरिंग पिरिमिडीन से होगी तो इसका यह भी तो मतलब है कि प्यूरीन में होते हैं एडेनिन और पिरिमिडीन में होते हैं थायमीन एंड यूरेसिल, तो होगा नहीं, चूंकि डीएनए की बात कर रहे हैं। इसका यह भी मतलब हो गया कि एडेनिन और ग्वानिन का जोड़ थायमीन और साइटोसिन के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर। इसका यह भी तो मतलब होगा कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपान थायमीन प्लस साइटोसिन इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसका यह भी मतलब है प्यूरीन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू वन। इसका एक और मतलब है, चूंकि ये भी तो बताया है कि जो एडेनिन है उसका पेयर किससे होता है
और जो ग्वानीन है उसका पेयर किससे होता है, साइटोसिन से, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसकी पेयरिंग इससे होती है, अगर इसकी पेयरिंग इससे होती है तो इसका मतलब देखो क्या निकलेगा, इसका मतलब है एडेनिन अपॉन थायमिन इक्वल टू वन। और अगर इसकी पेयरिंग इससे होती है तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब है ग्वानीन अपॉन साइटोसिन इक्वल टू वन। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखा है क्या कि एडेनिन थायमिन का रेशियो ग्वानीन साइटोसिन का रेशियो वन होता और कांस्टेंट होता, बस उतना ही लिखा और कुछ कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आप पेपर उठा के देखो, इस साल भी एक क्वेश्चन आया था, चारगाफ रूल से खूब क्वेश्चन डिजाइन होकर के आते हैं, तो उस लाइन का इतना मतलब है प्यूरीन के बराबर पिरिमिडीन होगा, या एडेनिन प्लस ग्वानीन के बराबर थायमिन प्लस साइटोसिन होगा, या इसके अपान ये क्या होगा वन हो जाएगा, प्यूरीन अपान पिरिमिडीन भी वन हो जाएगा। अगर ये इसके पेयरिंग करता है तो बराबर भी तो होगा, बराबर अगर होगा इसका मतलब है कि एडेनिन थायमिन अपान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ग्वानीन साइटोसिन भी क्या हो जाएगा वन। इसका मतलब है कि एडेनिन किसके बराबर है थायमिन के, और ग्वानीन किसके बराबर है साइटोसिन के। और भी इसका मतलब देख लो क्या है, मतलब ये भी है कि एडेनिन प्लस ग्वानीन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन है, ये क्या है प्यूरीन और ये क्या है पिरिमिडीन। आपको ये भी पता है कि प्यूरीन पिरिमिडीन के अगर बराबर है, इसका मतलब ये है कि जितने ये होंगे उतने ही ये होंगे। अगर ऐसा है तो सवाल फिर ये बनेगा कि 50% ये होंगे और 50% क्या होंगे ये होंगे। अगर 50% ये दोनों हैं जोड़ के, 50% ये दोनों जोड़ के हैं, तो ऐसे भी तो होगा कि मान लेते हैं कि एडेनिन 20% है, तो अगर एडेनिन 20 है और जोड़ के क्या करना है 50 करना है, तो ग्वानीन कितना हो जाएगा 30। अब सवाल ये है कि एडेनिन किसके बराबर होगा थायमिन के, तो थायमिन अपने आप कितना हो जाएगा 20, और ग्वानीन किसके बराबर, तो ये कितना हो जाएगा। ये खूब सवाल आता है कि कभी परसेंटेज दे देता है आपसे, पूछ लेता किसी एक का परसेंटेज दे देगा कि मान लेते हैं कि थायमिन 20% है, तो अगर थायमिन 20 है तो अंडरस्टूड है कि एडेनिन भी 20 हो गया, और जोड़ के कितना होना है 50 होना है, तो फिर अपने आप निकल आएगा। तो परसेंटेज में तो बहुत आसान ये सवाल होता है, समस्या शुरू होती है नंबरिंग में। नंबरिंग में देखो कैसे गड़बड़ी आती है। जैसे मान लेते हैं कि सवाल दे दे कि एडेनिन 10 हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन के, आराम से सुनिएगा, 10 नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन के 200 में से, बताओ सबके नंबर। तो तुरंत 200 को दो भागों में बांट दो, ठीक, 100 होंगे प्यूरीन और 100 होंगे, और 100 में से एडेनिन और ग्वानीन ही तो होंगे, और इस 100 में से क्या दिया है एडेनिन कितना दिया है, तो भैया अगर 10 ये दिया है तो ये कितना होगा, ये 90 होगा। बस ये क्लियर हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अगर नंबर दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज से भी निकल सकते हैं, नंबर से भी निकल सकते हैं। करता क्या है, क्वेश्चन ऐसे लिख देता है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें 2000 न्यूक्लियोटाइड या 2000 बेस पेयर पाए जाते हैं, तो जैसे कहेगा 2000 बेस पेयर, वैसे बेस कितने हो जाएंगे 4000, और 4000 में से 2000 होंगे प्यूरीन और 2000 होंगे पिरिमिडीन। तो दूसरा सवाल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, लिखा होगा कि 2000 बेस पेयर हैं, तो जैसे पेयर दिया होगा तो पेयर से सीधे ना निकालिएगा कि तुरंत इधर 1000 लिखो इधर 1000, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तुरंत 2000 बेस पेयर तो 4000 क्या हो गए बेस, इसमें दिया होगा कि 700 एडेनिन है, अब बताओ बाकी कितने हैं है? तो जैसे कहा 700 एडेनिन है, तो पहले ऐसे कर लोगे, 2000 इधर लिखोगे
और 2000 इधर लिखोगे, इसमें दो लोग होंगे एडनीन और इसमें थायमीन और साइटोसिन। एडनीन कितने हैं तो ये बताओ कितने हैं, हैं 1300। तो भैया जितने ये होंगे उतने ही तो ये होंगे, और जितने ये उतने ये होंगे, तो आराम से बताओ कितने हाइड्रोजन बांड है इस डीएनए में। आंसर थोड़े रटा है एकदम 5300, बताओ हम आंसर बोल दे। हाँ अभी निकाल के देखेंगे तब पता चलेगा। ध्यान से सुनिए, आंसर भी निकल आएगा, ध्यान से काम की बात सुने, गलती कहां होती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें बेस पेयर का नंबर दिया हो और आपसे हाइड्रोजन बांड पूछेगा, तो हवा में हाइड्रोजन बांड नहीं पूछेगा, कोई ना कोई नंबर और देगा। जैसे क्या दे दिया, एडनीन यहां दे दिया, इतनी इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप चारों के नंबर निकालोगे। चारों के नंबर निकालने के बाद बांड निकाले कैसे थे आसानी से, गलती देखिए निकाल सब लोग लेंगे, कभी गलती हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतना करिए, देखिए जितने एडनीन होंगे उतने ही, तो जरा बताओ एडनीन थायमीन पेयर कितने होंगे, 700 होंगे, हाँ या ना भाई, 700 एडनीन 700 थायमीन, तो थायमीन पेयर कितना हुआ। और ग्वानीन साइटोसिन पेयर कितने होंगे, एडनीन थायमीन पेयर में कितने हाइड्रोजन बांड, दो हाइड्रोजन बांड होते हैं, इसको दो से गुणा कर दीजिए, और इसमें कितने, तो कितने गुणा कर दीजिए, यहां आंसर कितना आया 1400, और यहां कितना आया 3900। अब जोड़ लो भैया कितना आया 53। आराम से बताएं कितने फास्फोडाइस्टर बांड होंगे, अरे हमको याद थोड़े तो निकालेंगे तो बताएंगे कितना है, कितने फास्फोडाइस्टर बांड होंगे। ध्यान से सुने, कितने बेस पेयर हैं और कितने बेस हैं, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, इस पर कितने बेस होंगे, इस पर कितने बेस होंगे 2000। जब किसी स्टैंड पर 2000 बेस लगे होंगे तो फास्फोडाइस्टर बांड कितने होंगे, एक स्टैंड पर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 होता है, तो इसमें कितने बांड होंगे, इसमें होंगे 1900 और इसमें, तो टोटल कितने होंगे हैं, तो कहेंगे 3998। 5300 कहां से निकाले थे भैया, फिर से देखें, एक ही सवाल से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो चारगाफ से सुड़े इतने सवाल बन सकते हैं। सबसे आसान सवाल जो आता है कि कोई परसेंटेज दे देगा, दूसरे का परसेंटेज पूछ लेगा, सबसे आसान वो है, तुरंत आप एडनीन प्लस ग्वानीन थायमीन प्लस साइटोसिन रखोगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आंसर निकल आएगा। थोड़ा चेंज करेगा तो नंबर दे देगा, टोटल नंबर दे देगा, कोई एक नंबर दे देगा तो भी आप निकाल लोगे। फिर और कठिन करेगा तो हाइड्रोजन बांड पूछ लेगा, और मन करेगा तो क्या पूछ लेगा, बस यही चार सवाल बन सकते हैं, पांचवा नहीं बनने वाला है। निकाल लेंगे, देखिए क्या क्या किया है। सबसे पहले बताया है कि प्यूरीन पिरिमिडीन के बराबर है, एडनीन प्लस ग्वानीन थायमीन प्लस साइटोसिन के बराबर, इसका मतलब एडनीन प्लस ग्वानीन अपॉन थायमीन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1, या प्यूरीन अपान पिरिमिडीन इक्वल टू 1, या एडनीन के बराबर होता है थायमीन, ग्वानीन के बराबर होता है साइटोसिन, तो एडनीन अपान थायमीन का रेशियो 1, ग्वानीन साइटोसिन का रेशियो 1, इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, वो ये एप्लीकेशन है।
ये दोनों जोड़ के 50% होंगे, ये दोनों जोड़ के 50, किसी एक का परसेंटेज दिया होगा सबका निकल आएगा। अगर नंबर दिया होगा तो टोटल नंबर को पहले दो भागों में बांट दीजिएगा, जितना नंबर दिया उसको तुरंत दो भागों में बांटिए और फिर उसमें ऐसे लिख लीजिए, जिसका नंबर दिया हो ऐसे निकाल लीजिए। फिर अगर बांड हाइड्रोजन पूछ रहा है तो एडेनिन थायमिन का पेयर निकालिए, ग्वानिन साइटोसिन का पेयर निकालिए और फिर दो से और तीन से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ के निकाल लीजिए। फास्फोडाइस्टर बांड अगर पूछ रहा है, अगर फास्फोडाइस्टर बांड पूछ रहा है सीधे निकालना चाहते हैं कुछ नहीं करना है, तो जितने बेस दिए हों उसमें से दो घटा दीजिए। कितने बेस दिए थे? 4000। कितने बेस थे? 4000। तो जब बेस 4000 थे तो आंसर कितना निकला? 399। तो अगर बेस से सीधे निकालना चाहते हो, कह रहा है कि एक छोटा सा डीएनए है जिसमें 1000 बेस पेयर हैं, बताओ कितने फास्फोडाइस्टर बांड? 1000 बेस पेयर हैं, हैं? तो आराम से बताएं, किसी एक डीएनए में 10 न्यूक्लियोसोम हैं, बताओ कितने फास्फोडाइस्टर बांड? इनका लग रहा है जन्म 1998 में हुआ है। एक डीएनए में 10 न्यूक्लियोसोम हैं, कितने फास्फोडाइस्टर बांड? तो भैया 10 न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर हैं, तो 10 में 2000 बेस पेयर, डबल हो गया। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, तो 10 न्यूक्लियोसोम में 2000 बेस पेयर, तो कितने बेस? 4000। तो आंसर 3998 हो गया। गलत ऐसे गलत होता है एग्जाम में, और कोई विशेष काम नहीं करना होता है क्वेश्चन गलत करने के लिए, बस थोड़ी सी जल्दी करनी होती है बस गलत हो जाएगा। ये सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जल्दी करोगे, खासकर गड़बड़ी जानते हो करते हो, सब कुछ मन ही में कैलकुलेट कर लेते हो, पेन चला लेंगे थोड़ा, ठीक है, पेन चला लेंगे तो आंसर सही। एक क्वेश्चन एग्जाम में चारगाफ रूल से जुड़ा जरूर आता है, हर साल आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़े, बातचीत ना करो भाई, देखो अब आवाज नहीं आनी चाहिए कोई। पेपर उठा के देखेंगे तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पीछे पीछे ना बात करो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए से भी एक सवाल आया है, पेपर उठा के देखिए, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है, यहां से फ्री के सवाल मिलते हैं, रटना है और कुछ नहीं है। तो पहले इस पैराग्राफ में तो केवल भूमिका बनाए हैं, क्या कि अगर डिस्टेंस नापी जाए बेस पेयर की तो इतने मीटर आती है, या और लेंथ ऑफ डीएनए इन डबल हेलिक्स ऑफ टिपिकल मेमेलियन सेल को कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को किससे? डिस्टेंस से। जैसे ह्यूमन में करना है तो ये हमारे पास है बेस पेयर और ये क्या है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी, तो आंसर निकालोगे तो लगभग लगभग इतना आएगा। डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर और डीएनए जहां रखना है उसका साइज है 10^-6 मीटर, 2 मीटर इतना हो गया, इससे थोड़ा बड़ा मान लो, इतना बड़ी स्ट्रक्चर को बहुत छोटे में रखना है तो कैसे रखेंगे, तो फिर लपेट के ही रखना पड़ेगा फोल्ड करके। तो कह रहा इतने बड़े डीएनए को कैसे पैक करेंगे, कह रहा अगर ई कोलाई में डीएनए इतने मिलीमीटर है तो बेस पेयर निकालना का पीछे तो दिया था कितना बेस पेयर है, कितना दिया था, तो निकालेंगे नहीं वो याद रखेंगे। कह रहा प्रोकैरियोट में, अच्छा एक और समस्या है, मान लेते हैं कि आपको स्टील का राड फोल्ड करके रखना है, फाइन तार है, तो उसको जैसे लपेट देंगे जैसे छोड़ेंगे फिर खुल जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, उसको लपेटने के बाद किसी डब्बे में रख दीजिए, डब्बा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल जानते हो कहां गई प्रोकैरियोट के पास, प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस भी नहीं है कि लाओ किसी तरीके से लपेट के न्यूक्लियस के अंदर बंद कर दो, यूकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में पैकेजिंग और कठिन है क्योंकि यहां क्या नहीं है, न्यूक्लियस। यूकैरियोट में कम से कम क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस। देखो यहां लिखा है प्रोकैरियोट जैसे क्या नहीं है, न्यूक्लियस, तो
तो डीएनए को क्या छोड़ देंगे ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैले रहो? हैं, ऐसा नहीं होगा। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें इसको होल्ड करते किसके साथ? कुछ प्रोटीन, जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब पैकेजिंग कर देते तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन ए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इनटू लार्ज लूप हेल्ड बाय क्या? प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट में तो इतना ही लिखा हुआ है। क्या किस स्टेट में आएगा? तो कहोगे नेगेटिव चार्ज डीएनए को पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ होल्ड किया जाएगा, और वो भी किस फॉर्म में? लार्ज लूप के। लेकिन जब हम यूकैरियोट में जाएंगे तो यूकैरियोट में कहानी बदल जाएगी। इन यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहां पाई जाती है पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? बेसिक प्रोटीन। नाम क्या है? किसी एक प्रोटीन पर जो चार्ज होता है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? तो कहोगे एबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन। जैसे हिस्टोन रिच है, किसका? बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू। कौन सा? इसको टिक कर लीजिए, पता नहीं कितनी बार तो ये नीट ही में आ चुका है। दोनों अमीनो एसिड रेजिड्यू पर क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर साइड चेन। तो यहां एसर्शन रीजन ऐसे बनाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है? तो कहोगे इसके पास अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं जिसके पास चार्ज साइड चेन होते, और वो अमीनो एसिड कौन से हैं? कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। कह रहा हिस्टोन को ऑर्गेनाइज करो किसमें? यूनिट में। और कितने मॉलिक्यूल ले लो? 8 मॉलिक्यूल। तो जब 8 मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या कहोगे? हिस्टोन ऑक्टोमर। नेगेटिव चार्ज डीएनए को लपेट देंगे किसके अराउंड? पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम न्यूक्लियोसोम। और किसी टिपिकल न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं क्या? कितने? 200 बेस पेयर। कि 200 बेस? 200 बेस पेयर। किसी न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसको कहते क्या है? क्रोमैटिन। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन है उसकी रिपीटिंग यूनिट का नाम क्या है? आंसर क्या देंगे? न्यूक्लियोसोम। ये चूंकि धागे जैसा होता है, इसको स्टेन करेंगे तो यहां पर हमको क्या दिखाई पड़ेगा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या दिखाई पड़ेगा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जब कब देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक दाना, जैसे एक बीड ये है, दूसरी बीड ये है, तीसरी बीड ये है, चौथी बीड ये है। ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि किसी में 10,000 बेस पेयर हैं, तो बताओ कितने बीड होंगे? कितने होंगे? तो भैया एक बीड बनाने में कितने बेस पेयर खर्चा करोगे? तो बस 200 से इसको भाग दे दो, और क्या? तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। लिखा है, आगे लिखा है, हाउ मेनी सच बीड डू यू इमेजिन प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। अरे ऐसी कौन सी सेल होती जो मैमेलियन होती है? ह्यूमन सेल होना चाहिए था। मैमेलियन सेल तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। क्या सभी मैमल में सेम डीएनए पाया जाता है? ऐसा तो है नहीं। तो वास्तव में ह्यूमन लिखना चाह रहे थे, जल्दी में क्या लिख गए? मैमल लिख गए हैं। तो बताओ ह्यूमन सेल में कितने बीड पाए जाएंगे? कितना सोचते कहे हो? हैं? नहीं निकाल पाओगे? तो भैया जितने होंगे उनको 200 से भाग दे दो। कितने हैं? 6×10⁻⁹ है ना, बटे 200। तो भाग दो, कितना आया? 3×10⁻⁷। अब गुणा भाग तो सही करिएगा एग्जाम में, है ना। चलो भाई आगे देखो,
एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हैं किसके, वो और पैक्ड हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। वो और ज्यादा क्वाइल्ड और कंडेंस हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे। तो देखो हुआ क्या है, पहले सिर्फ डीएनए था, डीएनए में मिला दिया क्या तो बना लिए क्या न्यूक्लियोसोम, और एक न्यूक्लियोसोम एक बीड है उससे बन गया क्या क्रोमैटिन, फिर बन गया क्रोमैटिन फाइबर, और फिर बन गया क्या क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनता है किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन, स्पेशली कब होती है मेटाफेज। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर और आगे लेवल टू रिक्वायर क्या सेट ऑफ प्रोटीन, इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये कब लगेंगी, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने में लगती हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने में लगती हैं किसी एक टिपिकल न्यूक्लियस, किसी एक टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन ऑफ क्रोमैटिन ऐसा होता है जहां लूजली पैकिंग होती है। पेपर उठा के देखें, सब लाइनें पूछी आ चुकी हैं, सारी लाइनें आ चुकी हैं, जो लूजली पैक होती वो लाइट स्टैन होती है और इनको कहते हैं यू क्रोमैटिन। लेकिन क्रोमैटिन का कुछ हिस्सा होता है जो डेंसली पैक होता है और डार्क स्टेन होते हैं, इनको कहते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू क्रोमैटिन को कहते हैं क्या, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन को कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है, मतलब यू क्रोमैटिन में जो डीएनए है उससे आरएनए बन जाएगा और हेट्रोक्रोमैटिन में जो डीएनए है उससे आरएनए नहीं बनेगा। ये हेडिंग तो बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है यहाँ पढ़ने को। देखो एक पेज ये पूरा पढ़ोगे, फिर एक पेज ये पढ़ोगे, पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, यहां तक ये दिया हुआ, फिर बदल गई कहानी, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन क्वेश्चन जरूर याद कर लेंगे। जेनेटिक मटेरियल की खोज में बहुत सारे सवाल नहीं है, 5-7 सवाल हैं, जिसमें यूनिक्यूवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, यही सवाल हर दूसरे साल आता है, वो तो रटी लीजिएगा। कह रहा है डिस्कवरी हुई थी किसकी, न्यूक्लिन की, किसने किया था, फिर प्रपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के साथ में किसका चला, मेंडल। ये लगभग लगभग सेम टाइम, मेंडल ने अपने नियम कब दिए थे, कब, 1800, और न्यूक्लिन की खोज तो आसी पास का समय है ना, ना उनको कुछ पता था ना इनको कुछ पता था, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ था, ये भी कुछ ना कुछ थे, फिर समय बदला, 1926 आया और मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कहां पहुंच गई, फिर इसमें सूटन आए, थॉमस हंट मॉर्गन आए और बहुत सारे वैज्ञानिक आए और क्रोमोसोम की खोज करते रहे, लेकिन अभी पता नहीं चल पाया वास्तव में जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये पैराग्राफ बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। ये है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। देखिए ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में लिखा बहुत है, सवाल गिनती के हैं। पहला सवाल, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट किस वैज्ञानिक ने किया, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया। किस साल किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, हैं? किस पर किया, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी, और साथ में क्या लिया, माइस लिए, बस इतना ही क्वेश्चन, फिर से सुनते हैं। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट किस वैज्ञानिक ने किया, बोल नहीं रहे हो, है? और कब किया और किसका यूज किया और किसका यूज किया, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किस पर, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी,
ये वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है, निमोरिया। इसमें हुआ क्या था, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें, बैक्टीरिया में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कौन था, इसमें बदलाव आ गया था, किसमें, ध्यान से सुने, जब कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदलाव आएगा तो उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो वास्तव में ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसमें जिन चीजों के नाते ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उन्हीं को कहते क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस पैराग्राफ में कहानी बताई गई, देखो क्या, कि स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या नेमोकाकस निमोनी बैक्टीरिया है, इसको कल्चर प्लेट पर ग्रो कराए। इसकी दो कॉलोनी होती, एक स्मूथ कॉलोनी इसको एस फार्म कहेंगे, दूसरी रफ कॉलोनी जिसको आर फार्म कहेंगे। जो एस स्ट्रेन है इसमें म्यूकस या पॉलीसेक्राइड की कोट, जबकि आर स्ट्रेन में ऐसा नहीं होता। जब कभी माइस को इन्फेक्ट करते हैं किससे, तो चूहा मर जाता है किससे, निमोनिया से, लेकिन माइस को जब इन्फेक्ट करते आर स्ट्रेन से तो चूहा नहीं मरता। तो क्यों, देखो, एस स्ट्रेन इन्फेक्ट किया माइस डाई, आर स्ट्रेन इन्फेक्ट किया माइस नॉट डाई। इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि जो आर स्ट्रेन है इसके पास बीमारी करने वाला करैक्टर नहीं है। ये एक बात, फिर ध्यान सुनना, ग्रिफिथ इस लायक थे कि मार सकते थे किसको, कैसे, गरम करके तो कुछ भी मर जाएगा, बैक्टीरिया क्या है, मार दिया। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसमें, चूहा नहीं मरा। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जब वो मर गया, तो भाई जब वो खुद ही मर गया है तो क्या मारेगा, मरा हुआ तो मारेगा नहीं, यहां तक भी क्लियर। इसके बाद आश्चर्य आएगा, जब इन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन के साथ जिंदा आर स्ट्रेन डाल दिए तो चूहा मर गया। अब ध्यान सुनिएगा, ना तो ये मार सकता है क्योंकि ये पहले से मरा हुआ है, और ये पहले से ही मार नहीं रहा था, तो फिर चूहे को मारा किसने, इनके पास मारने की पावर थी वो खत्म हो चुकी है, और ये पहले से ही सीधे साधे थे, मार नहीं रहे थे, तो चूहे किसने मारा। कहा हो सकता है कि चूहे को कोई और बीमारी हो गई हो, उससे मर गया हो, बेमतलब में इनका दोष दे रहे हैं, तो चलो पोस्टमार्टम करते हैं। तो चूहे का पोस्टमार्टम किया गया, कमाल की बात सुनो, जब मरे हुए चूहे का पोस्टमार्टम किया गया तो इसके शरीर से जिंदा मिल गए क्या, एस स्ट्रेन। अब डर गए, क्या डाले थे मार के और मिले कैसे, तो क्या अंदर जिंदा करने वाली मशीन लगी क्या है। कमाल की बात यही थी कि इनको क्या मिल गए, जिंदा एस स्ट्रेन। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं से ग्रिफिथ का दिमाग चला है। ग्रिफिथ कह रहे हैं कि हमने एस किल्ड को मार के डाला था लेकिन ये हमको जिंदा मिले हैं, इसका मतलब यही है कि जो ये आर वाले हैं यही किसमें कन्वर्ट कर गए हैं। तो कहा कैसे कन्वर्ट कर गए होंगे, तो कहा कुछ ना कुछ है जो कहां से आया होगा, एस से किसमें। वैज्ञानिकों ने पूछा क्या है, कहा पता नहीं है लेकिन उसका नाम ये रख लो, कहां गया, कहा पता नहीं है लेकिन उसका नाम फिलहाल ये रख लो, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कहा कुछ ना कुछ तो है जो एस से क्या गया है आर में, और उसी ने आर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एस में। कहा है क्या, कहा हम मेंडल नहीं बता पाए थे तो हम कहां बता पाएंगे, ठीक है कुछ ना कुछ है। बेचारे बड़ा निराश थे, लेकिन इनकी निराशा जल्दी ही खत्म हुई। देखो लिखा हुआ है, अभी निराशा खत्म करने वाला ये है, इन्होंने देखो क्या रिकवर किया, इन्होंने रिकवर किया क्या कहां से, तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, जो आर स्ट्रेन है वो किसी तरीके से, कैसे पता नहीं, किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
जरूर ट्रांसफर हुए होंगे कहां से, और इन्होंने ही क्या आर स्ट्रेन से कहा होगा कि तुम भी बना लो क्या, और अपना नाम बदल के क्या रख लो, वेरुलेंट फार्म। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, अगर आर वाला वो प्रोटीन बनाने लगा है या पॉलीसेक्राइड बनाने लगा है तो जीन जरूर ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन वो क्या था ये नहीं बता पा रहे थे। लेकिन बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। समय बदला, एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1928, ज्यादा दिन नहीं लगे, कितने दिन, 1933 से 1944, 10 साल तो ये एक्सपेरिमेंट किए। तीन वैज्ञानिक, ओसवाल्ड आवेरी, कोलिन मैकलियार्ड, और इन तीनों वैज्ञानिक ने बता दिया कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आप कह रहे हो उसका वास्तव में नेचर क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल किस वैज्ञानिक ने दिया, है ओसवाल्ड आवेरी, कावेलिन मैकलियार्ड और मैकलायन मैककार्टी। देने से पहले इनके काम से पहले, ये तो पहले यहां लिखा है, एनसीईआरटी बहुत फाइन लिखी, जरा चुको प्रायर छोड़ दो कि सब गलत हो जाएगा। इनके काम करने से पहले लोग क्या मानते थे, तो कहते थे जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन। इनके काम के बाद बदला, तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को किसने डिटरमाइन किया, है नाम तो बोल ही दो, जो पढ़ ना पाओ वही नाम है। चलो, इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने प्यूरिफाई कर लिया प्रोटीन को, डीएनए को, आरएनए को, कहां से, और ये पता कर दिया कि कौन सी चीज है जो ट्रांसफार्म कर रही है किसको, आर को किसमें, एस में। तो इन्होंने ही कहा कि डीएनए ही है जो एस बैक्टीरिया से कहां जाता है, आर में, और वही ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ही आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज। इन्होंने कहा कि ध्यान सुनो, इस संयोग से क्या गड़बड़ी हो रही है, यहाँ इसका डायग्राम नहीं बना है, इसी नाते इस रटने को तो आप रटे ले रहे हो कि क्या हो रहा है। तो हुआ ये था कि तीन ट्यूब में इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, एक में इन्होंने डाल दिया प्रोटीएज, एक में डाल दिया आरएनएज, एक में डाल दिया डीएनए। प्रोटीएज डालने के बाद फिर इन्होंने इसमें आर डाला, ध्यान सुनिएगा, प्रोटीएज डाला फिर आर डाला, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इससे पता चल रहा है कि प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन में रोल नहीं है, क्योंकि प्रोटीएज के बाद क्या गायब, प्रोटीन गायब। आरएनए डाइजेस्ट कर दिया, आरएनएज डाल के और फिर आर डाला, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आरएनएज डाला, आरएनए खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब है कि आरएनए के बगैर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसका मतलब है आरएनए का रोल नहीं है। फिर इसमें देखो, इन्होंने डीएनएज डाला और आर डाला, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब डीएनए के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कौन करा रहा, ये बात किसने बताई, किसने बताई, कहा प्रोटीएज और आरएनए से प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसका मतलब है कि नाट ए प्रोटीन नाट ए आरएनए। लेकिन जब इन्होंने किससे इस्तेमाल कर लिया तो तुरंत क्या रुक गया, इससे क्या पता चला कि डीएनए ही है जो क्या कर रहा है, तो कंक्लूड हो गया कि डीएनए ही क्या है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसे ऐसे लोग रहे ना, मानेंगे ही नहीं, तुम कहोगे हम नहीं मानेंगे। नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड पूरी तरीके से। तो ध्यान सुनिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको सबसे पहले बताया किसने, मैकलियार्ड, मैककार्टी एंड मैकलायन जो हैं, इन्होंने बताया, लेकिन प्रूफ इन्होंने नहीं किया। बताया पूछेगा तो अलग आंसर, प्रूफ पूछेगा तो अलग आंसर। प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक बदल गए,
अगर बहुत जल्दी में चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो सिर्फ ये एक लाइन रिवाइज करके जाएं, क्योंकि यही लाइन हर दूसरे साल आ रही है। अगर पिछली बार नहीं आई है तो इस बार ही आएगी। क्या यूनिक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से आया और कब आया, किस पर एक्सपेरिमेंट किए, जो किसको इन्फेक्ट करता, नाम क्या होगा, सब क्वेश्चन है। एक सुर में लोग कब मान गए, यूनिक्विवोकल का मतलब एक सुर में कब मान गए, 1952 में, किसके कहने से, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, वायरस, जो किसको इन्फेक्ट करता था, नाम क्या हुआ, द बैक्टीरियोफेज अटैच होते हैं बैक्टीरिया पर और अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ भेजते हैं, बैक्टीरियल सेल को ट्रीट, बैक्टीरियल सेल क्या करती है, ट्रीट करती है वायरस के जेनेटिक मटेरियल को, अपना मान लेती है और फिर मैन्युफैक्चर करते हैं ढेर सारे वायरस। हर्से एंड चेज ने काम किया क्या, ये बताया कि क्या प्रोटीन या डीएनए में से कौन है जो कहाँ जाता है, वायरस में। सिर्फ इतना पता करना था कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जाता कौन है। अगर प्रोटीन जाती होती तो प्रोटीन क्या होती, जेनेटिक, और अगर आरएनए जाता होता और डीएनए अगर जाता था तो कन्फर्म इन्होंने कर दिया कि डीएनए ही जाता है, इसका मतलब डीएनए ही क्या है, इन्होंने ग्रो कराए वायरस को एक मीडियम में जिसमें क्या था, क्या, फास्फोरस, और कुछ दूसरों को ग्रो कराए किसमें, रेडियोएक्टिव सल्फर। याद रखिएगा एक ही में ग्रो नहीं कराए, इधर देखें, ये मान लेते हैं कि एक बैक्टीरियोफेज है और ये दूसरा बैक्टीरियोफेज है, एक को ग्रो कराए किसमें और एक को ग्रो कराए किसमें, तो जिसको फास्फोरस में ग्रो कराएंगे उसके पास फास्फोरस आ जाएगा, जिसको सल्फर में ग्रो कराएंगे उसके पास सल्फर। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसमें आ जाएगा क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए, लेकिन क्या नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में क्या होगा, फास्फोरस, कहाँ नहीं होगा, लेकिन अगर जो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा रहे हैं उसका हाल, उसकी प्रोटीन क्या होगी, तो क्या रेडियो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में क्या नहीं होता है, सल्फर। ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं। रेडियो एक्टिव फेज से कहा कि अटैच हो जाओ कहाँ, ई कोलाई, जरा आराम से बताएं, यूनिक्विवोकल प्रूफ किसने दिया और कब दिया है? और किस पर एक्सपेरिमेंट किया, जो किसको इन्फेक्ट करता था, कौन सा बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई, और कौन सी चीज और यूज किए, रेडियो एक्टिव, क्या, क्या, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इन्होंने क्या कहा, बाद में इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, वायरल कोट को रिमूव किया, कहाँ से, बैक्टीरिया से, बाद में सिस्टम को एजिटेट किया, ब्लेंडर में वायरस के पार्टिकल को अलग कर दिया, किससे, बैक्टीरिया से, किस प्रोसेस के द्वारा, स्पिनिंग। खूब क्वेश्चन आता है, थोड़ा मन करता है एग्जामिनर का आगे बढ़ जाए तो पूछता है, हर्से और चेज के एक्सपेरिमेंट के तीन स्टेप बताओ, क्रम नहीं गड़बड़ करेंगे, सबसे पहले, फिर इन्फेक्शन में अलाउ कराएंगे, ब्लेंडिंग में वायरस के कोट को बैक्टीरिया से अलग करेंगे और फिर बिल्कुल अलग कर देंगे, छान के अलग करेंगे। तो देखो हुआ क्या है, इधर की तरफ जो बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर है तो कहाँ होगा, और इधर की तरफ जो उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ होगा, डीएनए। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं तो होता क्या, जरा देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद कंपोनेंट दो हिस्सों में बट जाएगा, कंपोनेंट दो हिस्सों, जो ऊपर की तरफ होगा उसका नाम सुपरनेटेंट होगा, जो ऊपर की तरफ होगा वो सुपर नेटेंट होगा और जो नीचे की तरफ होंगे वो सेल होंगे। अब आप आराम से बताइएगा,
मान लेते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो बताओ रेडियो एक्टिविटी कहां मिलेगी, यहां कि यहां? मान लेते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो बताओ रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर मिलेगी कि सुपरनेटेंट में? भैया सेल के अंदर मिलेगी, अभी पीछे पढ़ के आए हो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजता है, यहां लिखा क्या है कि रेडियो एक्टिविटी कहां मिली कहां? सुपरनेटेंट। और कहां नहीं मिली, इससे पता क्या चला? इससे पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं, सेंटेंस सुने ही नहीं थे, मैंने शुरू में ही कहा था ये मान लो कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो बताओ रेडियो एक्टिविटी कहां मिलेगी, तो सेल में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सेल में नहीं मिली, कहां मिल गई? इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब मान लो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मान लो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिलनी चाहिए, कहां मिलनी चाहिए और कहां मिल गई? कहां मिल गई? सेल ही में मिल गई। तो जो माने थे वो सही है, क्या माने थे कि डीएनए ही क्या है जेनेटिक मटेरियल। फिर से सुने, देखिए एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, ये मान लीजिए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होती तो रेडियो एक्टिविटी सेल में मिलती, नहीं मिली तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। मान लेते हैं डीएनए है तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिलेगी, सेल में, और मिल गई, इसका मतलब क्या है जो माने वो सही, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहां डिटेक्ट हो गई। इतनी सी बात, कितने स्टेप? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बहुत कहानी पढ़े हो, सवाल गिनती के हैं, सब सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस वैज्ञानिक ने बताया है? कब इस पर एक्सपेरिमेंट किए, किस पर किए? स्ट्रेप्टोकाकस, और किस पर किए? माइस पर। कौन किस में ट्रांसफॉर्म कर गया था? आर सेल एस में कर गया था। किसके द्वारा? कुछ ना कुछ ट्रांसफर होने, और उस कुछ ना कुछ का नाम ट्रांसफर, उसका बायोकेमिकल नेचर डीएनए था, ये किसने बताया? ओसवाल्ड आवेरी, कोलिन, कब किया था ये? 33 से 44, लेकिन इनकी बात लोगों ने नहीं माने। तो फिर फाइनल प्रूफ किसने दिया? पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज, और कब किया? कब? 1952 में किए, तो 54 में क्या हुआ, 53 में है? 53 में क्या हुआ? डबल, बिल्कुल आसी पास है, 1952 और 1953। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया था बस ये बताना है। वायरस जिसका नाम बैक्टीरियो फेज, और क्या यूज किया? बैक्टीरिया कौन सा? ई कोलाई। कौन से रेडियो एक्टिव यूज किए थे? जिसको सल्फर में ग्रो कराए उसमें कहां रेडियो एक्टिविटी थी? प्रोटीन पर। और जिसको फास्फोरस में कराए, कितने स्टेप का एक्सपेरिमेंट था? पहला, दूसरा और तीसरा। अगर सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज में, ध्यान सुनिएगा, अगर सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिविटी सेल में मिल जाती तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, मिली कहां? तो उससे क्या सिद्ध हुआ? और फास्फोरस वाले में कहां मिली, उससे क्या सिद्ध हुआ? सभी वैज्ञानिकों ने ये मान लिया, यूनिक्विवोकल प्रूफ है क्या? हर्शे एंड चेज, पूरा नाम
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इससे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है। कह रहा ऊपर का जो डिस्कशन हुआ है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और जो क्या चल रही थी, बहस चल रही थी किसकी, कि प्रोटीन है कि वो पूरी तरीके से क्या हो गई, किसके एक्सपेरिमेंट से, और सभी लोगों ने मान लिया कि डीएनए ही क्या है, लेकिन हाउ एवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट अपवाद तो है कुछ वायरस में आरएनए क्या है। तो जो शुरुआत में लिखा था कि वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके एग्जाम्पल यहां दिए हैं। तो जैसे कौन सा बोल नहीं रहे हो, टोबैको मोजैक वायरस, और कौन सा, आंसर टू द सम क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एडाप्टर टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लियोट। क्वेश्चन यहां लिखा व्हाई, व्हाई के बाद सारे क्वेश्चन है। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, कह दो हाँ रिकॉल है। जितनी बार मन हो उतनी बार टिक कर लीजिए और बगल में नीट लिख लीजिए। एज सच क्वेश्चन आ रहा है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को आप क्या कहना चाहते हो तो उसकी चार शर्तें हैं, उसकी चार शर्तें हैं। पहली शर्त, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स, मतलब अपनी कॉपी बना लेना चाहिए। प्रोटीन यहीं फेल हो गया, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनेगी, तो प्रोटीन ने पहले ही शर्त पे हार मान ली कि हमारा नाम काटो, हम जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। लिखा है इफ वन एग्जामिन वन, एक एक करो तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये योग्यता है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अदर मॉलिक्यूल जैसे वो तुरंत फेल हो गए। क्या देखो, बहुत सिस्टम से लिखा है, पहली शर्त उसका एक्सप्लेनेशन, फिर से अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ यहां बने हुए हैं, हर शर्त को एक्सप्लेन किया गया। तो पहली शर्त कौन जीत गए और कौन हार गए। फिर दूसरी शर्त है कि ये स्टेबल होना चाहिए केमिकल वाइज भी, और तो डीएनए कहा, डीएनए ने कहा देखो हमसे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं है, हमारे पास है डबल स्टैंड, हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमारे पास है पैरेलल स्टैक वन ओवर द अदर, हमारे पास स्टेबिलिटी बहुत है। आरएनए कहा हमारे पास भी मतलब भर की स्टेबिलिटी है, इतना हम भी अनस्टेबल नहीं है, हम भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। तो स्टेबिलिटी की बात अगर की जाए तो डीएनए की स्टेबिलिटी आरएनए से ज्यादा, तो पलट दीजिए, आरएनए की स्टेबिलिटी डीएनए से कम। क्यों? दो कारण, वो डबल है ये सिंगल है, और एक एक्स्ट्रा ओएच है, कहां, सेकेंड नंबर कार्बन, वो रिएक्टिव ग्रुप है ना, वो रिएक्टिव ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ये पूरा पैराग्राफ स्टेबिलिटी के बारे में लिखा है, लिखा है जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होने चाहिए इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल या एज या चेंज इन क्या फिजियोलॉजी। स्टेबिलिटी जेनेटिक मटेरियल की ये पहले ही प्रमाणित हो चुकी किसमें, क्यों, ध्यान से सुनना, एस वाला बैक्टीरिया मर गया था लेकिन उसका डीएनए खराब नहीं है, तभी तो उसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टेबिलिटी होती है तो इन्हीं से पता चल गया था, क्योंकि जब हीट किया था क्या मर गया, बैक्टीरिया, और क्या नहीं मरा, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। This now can easily explain in the light of DNA that
टू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा, लेकिन तुरंत इकट्ठा हो जाएंगे जब फिर से क्या आएगा एप्रोप्रिएट। दो नंबर कार्बन का जो OH है किसमें है, RNA, कैसे, और यही RNA को क्या बना रहा है, इजिली डिग्रेडेबल, ये एसर्शन रीजन है। RNA लेस स्टेबल होता है रीजन, एडिशनल OH, या RNA जल्दी टूट जाता है रीजन, एडिशनल OH, क्योंकि रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। RNA कैटालिटिक होता है और क्या होता है, रिएक्टिव होता है, देयरफॉर DNA केमिकली क्या होगा, लेस रिएक्टिव, तो स्ट्रक्चरली मोर क्या होगा, किसकी तुलना में, एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड DNA इज बेटर, किस शर्त के हिसाब से, किस शर्त के हिसाब से, स्टेबिलिटी की शर्त के हिसाब से DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल बेहतर है। शर्तें पहली की हो गई, दूसरी क्लियर, तीसरा, तीसरी शर्त है कि कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, चेंज भी, तो क्योंकि जब परिस्थितियां बदलेंगी तो नई परिस्थितियों से लड़ने के लिए नए करेक्टर चाहिए, और नए करेक्टर तभी आएंगे जब जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा चेंज होगा, तो थोड़ा स्कोप होना चाहिए किसका, चेंज का, किसका, म्यूटेशन। तो DNA ने कहा देखो भाई हम स्टेबल ज्यादा हैं तो चेंज हम कम लाएंगे, RNA ने कहा यहां तो हम जीत ही जाएंगे, स्टेबिलिटी कम है तो चेंज। इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया गया, देखो DNA में थाइमीन है किसकी जगह, ये DNA को क्या देता है, तो पलट देते हैं, RNA में यूरेसिल है थाइमीन की जगह, तो ये क्या देता है, ये रिएक्टिविटी देता है। डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। बोथ DNA और RNA दोनों क्या करेंगे, म्यूटेट, उस शर्त को यहाँ एक्सप्लेन किया गया, और ये नीट इसके बगल में लिखिए, पिछले ही साल ये लाइन आई है वाली, लेकिन RNA क्या है, तो बताओ म्यूटेट कैसा करेगा, एसर्शन, RNA म्यूटेट फास्टर, रीजन, RNA अनस्टेबल। इसी नाते एसर्शन देखो, वायरस जिसमें RNA होता है उनकी लाइफ स्पान छोटी होती है, लेकिन बहुत जल्दी म्यूटेट करके क्या करते हैं, ऐसे वायरस, ध्यान से सुनिए, ऐसे वायरस जिसमें RNA पाया जाता है वो बहुत जल्दी म्यूटेट होकर के नया बना लेते हैं, ये एसर्शन। तो रीजन, इसमें RNA है तो ये बहुत जल्दी क्या करेंगे, म्यूटेट। पिछले बार का पेपर उठा के देखिए, ये लाइन एज सच एग्जाम में आई है। फिर चौथी प्रॉपर्टी बेटा कौन सी है, चौथी प्रॉपर्टी है कि उसको एक्सप्रेस करना चाहिए किस फॉर्म में, मतलब कोई ना कोई करेक्टर होना चाहिए। तो करेक्टर देखो, RNA डायरेक्टली कोड करता है किसको, इसी नाते आसानी से अपने करेक्टर को क्या करेगा, लेकिन DNA मजबूर है, वो डिपेंड है किस पर, पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इवॉल्व हुई किसके अराउंड, तो ऊपर के डिस्कशन से पता चला कि दोनों DNA और RNA, कभी DNA आगे कभी RNA, किसी शर्त में DNA आगे किसी शर्त में RNA आगे, जैसे पहली शर्त में, पहली शर्त भैया दोनों बराबर थे, पहली शर्त थी कॉपी बनाओ, कहा हम भी कॉपी बना के दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। दूसरी शर्त में स्टेबिलिटी की शर्त थी ना, DNA आगे RNA पीछे। तीसरी शर्त म्यूटेशन वाली थी, RNA आगे, और चौथी शर्त एक्सप्रेशन की थी, RNA आगे है और DNA पीछे। तो सब लोगों ने कहा कि DNA और RNA फंक्शन कर सकते हैं आएजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बट के बाद जो लिखा है। लेक्चर तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, फिर से सुन लीजिएगा, एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से हर साल आता है, इस साल भी आएगा। जितनी लाइनें लिखी हैं ऊपर चार शर्तें और नीचे जो चार पैराग्राफ लिखे हैं, एक क्वेश्चन हर साल पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर साल आपको एक सवाल मिलेगा। DNA
बहुत स्टेबल है, इस नाते इसको प्रिफर करो किसके लिए? तो एसर्शन है डीएनए प्रिफर फॉर स्टोरेज, तो रीजन है, और आरएनए प्रिफर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कब बेटर है? आरएनए कब बेटर है? कब बेटर है? तो कहोगे ट्रांसमिशन, अगर अगले जनरेशन में या करेक्टर को एक्सप्रेस करना है, ट्रांसफर करना है या तुरंत एक्सप्रेस करना है तो सबसे बेहतर कौन है? हाँ, अगर स्टेबल रखना है, स्टोर रखना है तो बेहतर कौन है? डीएनए, आरएनए वर्ल्ड। ऊपर के डिस्कशन से जो तुरंत क्वेश्चन आया था कि कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल है, तो इट शैल बी डिस्कस डिटेल इन द चैप्टर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। लेकिन कह रहा थोड़ा सा लाओ बता ही देते हैं, तो थोड़ा सा क्या, एक लाइन देखो लिख दिए हो, ये सब कहानी बताने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे ये लिखे होते आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये प्रमाणित है कि ये टिक करो, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे ये सब इवॉल्व हुई अराउंड, इवोल्यूशन के समय आरएनए पहले बनेगा, डीएनए बाद में बनेगा, तो जो बेसिक प्रोसेस इवॉल्व होंगी वो किसके अराउंड इवॉल्व होंगी? आरएनए यूज एज एक्ट एज क्या? जेनेटिक मटेरियल, सही है, लेकिन ये काम कर सकता है कैटालिस्ट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें आरएनए किसका काम करता है? जबकि एंजाइम क्या बने होते हैं? एंजाइम से प्रोटीन बने, सॉरी प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, लेकिन इन जनरल यहां कभी कभार देखने क्या मिल रहा है? आरएनए। आरएनए कैटालिस्ट है, क्यों? रिएक्टिव है, क्यों? बाद में डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से, कुछ ना कुछ बदलाव, जरा बदलाव बताओ क्या हुए? बदलाव याद होने चाहिए। सबसे पहले तो बेस बदल दिए, यूरेसिल की जगह और क्या बदले, सिंगल की जगह और ओएच हटा दिए, ओएच हटा दिए, डीएनए हो गया डबल स्टैंडर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो गई, तो फिर रजिस्टर करने लगे क्या? चेंज बाय प्रोसेस। घड़ी की तरफ तो देखिए ना, रेप्लिकेशन, पेपर उठा के देखे तो रेप्लिकेशन से क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है, और खासकर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि 10 इकोलाई हैं, 80 बनने में कितना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया था ना, काउंटिंग करवा लिया था कि 10 इकोलाई का 3 जनरेशन करने के बाद कितने होंगे जिसमें लाइट और हाइब्रिड डीएनए, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, तो लाइट और हाइब्रिड डीएनए वाला सवाल यहाँ डिजाइन हो जाता है। अभी केवल 1-2-3 लाइनों में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान सवाल होता है। तो पहले फर्जी कहानी देखें थोड़ी, रेप्लिकेशन लिखा है, जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रपोज किया किसने, तो कहा लाओ एक और काम बता देते हैं तुरंत, क्या इन्होंने ही प्रपोज किया क्या, और इनका ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं ये, इसका मतलब ये है, मतलब देखो क्या है, तो इन लाइनों का मतलब देख लो क्या है, वो ये लिखा है, ये स्कीम कहती है कि दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, पहली शर्त, दोनों काम करेंगे क्या, टेम्पलेट, दूसरी शर्त, और वो सिंथेसाइज करेंगे क्या, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए जो बना होगा उसमें एक क्या होगा, पैरेंटल, और एक क्या होगा, न्यू। ऐसी कंडीशन को कहोगे क्या, तो जरा हमको आराम से बताएं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस वैज्ञानिक का प्रपोजल है और किस ईयर का है? प्रपोजल की तीन बातें, पहली दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करेंगे, दूसरी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे, और डीएनए जब बनेगा तो एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड पुराना, एक पैरेंटल होगा और एक नया होगा, इसी को कहेंगे क्या? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, आराम से सोचे फिर बताएं। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा,
ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा, बताओ दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे कि नहीं? हैं? मतलब जोश में हो नहीं लग रहा है, पक्का दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे? दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे? नहीं करेंगे, एक ही करेगा, कौन करेगा वो एक अलग मसला है। तो अंतर याद रखिएगा, यहां डीएनए से डीएनए बनेगा, वहां डीएनए से, यहां भी डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हैं, वहां भी सेपरेट हैं, लेकिन यहां दोनों टेम्पलेट और वहां दोनों टेम्पलेट नहीं है, ये याद रखिएगा। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्वेश्चन आराम से सुने, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाई, प्रूफ बाई, प्रपोज अलग है और प्रूफ अलग है। प्रूफ बाई मिसेलसन एंड स्टाल, मिसेलसन एंड स्टाल ने कैसे प्रूफ किया? तो कहोगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी को मिसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या किया था उसको ध्यान से सुनेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? किसने दिया? मिसेलसन एंड स्टाल। किसमें प्रूफ किया था? बाद में किसमें प्रूफ किया गया? तो फिर क्वेश्चन रुको आराम से। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय, प्रूफ बाय, प्रूव इन प्रोकैरियोट बाय, प्रूव इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में किसने प्रूव किया? प्रूव इन यूकैरियोट। आंसर बदल जाएगा, टाइलर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन है। और उन्होंने क्या यूज किया था, क्या यूज किया था? विसिया फाबा, कुछ रेडियो एक्टिव यूज किया था, क्या? थाइमिडीन। ध्यान से सुने सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, समझना कम है रटना ज्यादा है। क्या यूज किया था? विसिया फाबा। और क्या यूज किया था? तो इन्होंने क्या यूज किया था? इकोलाई। और क्या यूज किया था? कुछ रेडियो एक्टिव यूज किया था, नहीं। तो क्या यूज किया था इन्होंने? हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ क्या? ऑफ क्या? नाइट्रोजन। तो पूरा क्वेश्चन ये है, हर्से एंड सॉरी मिसेलसन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव प्रूव किया, इकोलाई में किया, क्या यूज किया? हैवी एंड लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन 15 और लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन 14। और इन्होंने एक टेक्निक यूज की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक, एक मीडियम यूज किया था, सीजियम क्लोर। सब सवाल ये हैं, पहले तो ये रट लीजिएगा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि ये एक इकोलाई है, थोड़ा सा बाहर समझ ले फिर वहां समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये इकोलाई है और इकोलाई के अंदर ये उसका डीएनए है। इस इकोलाई से कहा कि मल्टीप्लाई कर जाओ उस मीडियम में जिसमें पड़ा हो N15। तो इसके पास जब नए इकोलाई बनेंगे उसमें जो नया डीएनए बनेगा उसमें नाइट्रोजन कौन सा आएगा? N15 वाला आएगा, ठीक है। तो सबके पास क्या आ जाएगा? N15 आ जाएगा। फिर दूसरा इकोलाई लिया, उसके पास भी डीएनए था और उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए किसमें? N14। सामान्यतया, फिर से सुनेंगे आराम से, सामान्यतया किसी भी इकोलाई में जो डीएनए पाया जाता है वो यही वाला पाया जाता है, डीएनए में जो नाइट्रोजन पाया जाएगा वो यही वाला है। तो कोई भी इकोलाई लाओ उसमें N14 ही मिलेगा। आप चाहते हो कि इसके पास N15 आ जाए तो कुछ ना करिए, इसको किसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। बहुत देर तक मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डीएनए, क्योंकि बाहर से जो नाइट्रोजन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? N15।
तो पहले एक ई कोलाई बना लो जिसमें क्या हो, N15 हो, जिसमें N15 होगा उसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 है, इस पे भी N15 है और इस पे भी N15 है, ऐसा कोई भी डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 होता है इसको कहते हैं हैवी डीएनए। लेकिन ऐसा ई कोलाई जिसके पास जो डीएनए है दोनों पर N14 है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लाइट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड N15 का और एक स्ट्रैंड N14 का उसे कहते हैं हाइब्रिड। तो ये याद रखिएगा, तीन प्रकार के हो गए, एक ऐसा जिसमें दोनों N15, एक ऐसा जिसमें दोनों N14, एक ऐसा जिसमें एक N15 एक N15। एक्सपेरिमेंट जब शुरू करते हैं तो वो इकोलाई लेते हैं जिसके दोनों स्टैंड पर N15 होता है, इसको बनाना पड़ता है, कैसे, इसको मल्टीप्लाई करिए किसमें, N15 में, और फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करिए। तो करते हैं, देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक डीएनए है, इस एक डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं और दोनों पर क्या है, N15 है, इसका मतलब पूरा का पूरा डीएनए क्या है, हैवी डीएनए है। इस एक डीएनए को या एक पर्टिकुलर ई कोलाई को जिसमें डीएनए है इससे कहा गया चलो मल्टीप्लाई करो, तो भाई एक ई कोलाई से दो ई कोलाई बनेंगी तो एक डीएनए से क्या बन जाएंगे, दो डीएनए बन जाएंगे। बस काम की बात देखिएगा, जिस मीडियम में मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसमें N14 ले लिया, तो जरा बताओ अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो N14 वाला बनेगा, तो जो दो डीएनए बनेंगे उनका हाल ये होगा कि देखो एक स्ट्रैंड होगा क्या N14 का और एक स्ट्रैंड होगा N15 का, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। तो दो के दोनों डीएनए क्या होंगे, हाइब्रिड। फिर थोड़ी देर बाद कहोगे और मल्टीप्लाई करो किसी N14 में, तो कितने डीएनए हो जाएंगे, चार डीएनए हो जाएंगे। और जब चार डीएनए हो जाएंगे तब ध्यान से सुनिएगा, जो दो डीएनए होंगे वो हाइब्रिड होंगे और दो डीएनए क्या होंगे, क्या होंगे, लाइट। लाइट का मतलब दोनों पे क्या होगा, N14। एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आठ डीएनए बना लेते हैं। अब इसी N14 में ही अब क्या होगा, तो चाहे जितने डीएनए आप रिप्लाई करते जाओ हाइब्रिड कितने रखोगे, दो रखोगे, तो दो क्या होंगे, हाइब्रिड। तो लाइट, लाइट कितने होंगे, छह। एक बार और कर लो, तो दो होंगे और लाइट कितने होंगे, 14 होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन पिछली बार आया था उसने यहां एक की जगह 10 ले लिया था, एक की जगह 10 ले लिया था, हाँ एक बार मल्टीप्लाई करने में 20 मिनट, फिर यहां भी 20 मिनट और यहां भी 20 मिनट, तो कह रहा है 60 मिनट बाद कितने ऐसे डीएनए होंगे जिसमें N15 बिल्कुल नहीं होगा। आंसर पहले बता देते हो या रटे हो क्या, 60 मिनट बाद कितने ऐसे डीएनए होंगे जिसमें N15 बिल्कुल नहीं होगा, नहीं समझ में आई। अच्छा चलो पहले ये समझ लो, एक डीएनए था, दो स्ट्रैंड थे, दोनों N15 थे, पूरा डीएनए हैवी था, पहली बार मल्टीप्लाई किए दो डीएनए बने, दोनों हाइब्रिड बने,
दूसरी बात मल्टीप्लाई किए, चार डीएनए बने, दो हाइब्रिड रहे, दो लाइट हो गए। फिर एक बार और किए तो आठ हो गए, दो अभी भी हाइब्रिड, छह लाइट हो गए। एक बार और किए तो दो हाइब्रिड, ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर हम 10 ले ले और 60 मिनट मल्टीप्लाई कराएं तो ये 10 के 10 बताओ बेटा क्या होंगे। अभी मल्टीप्लाई क्रिया कितनी बार, 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब एक 20, दूसरा 20, एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनेंगे 20, दूसरी बार, तीसरी बार, बन गए क्लियर। इन 60 में से बताओ कितने हैवी, कितने लाइट और कितने हाइब्रिड। अच्छा 80, सॉरी, हाँ चलो ठीक है। कितने हैवी, तो हैवी होंगे लाइट। भैया अगर 8 होते तो 6 होते, 80 है तो नहीं दिक्कत, 73, ऐसा ना करो भाई। लाइट कितने, तो हाइब्रिड कितने, तो बताओ कितने ऐसे डीएनए हैं जिसमें N15 है, हैं N15 है इसमें है और किसमें नहीं है, इसमें है। कल को और एक बार बढ़ा दे, अब कितने में होगा, हैवी बताओ, हैवी लाइट है 14 और 16 हो गया ना, 16 में से 14 होंगे ना, तो कितने होंगे 100, तो हाइब्रिड। अच्छा यहां हाइब्रिड, यहां हाइब्रिड और यहां हाइब्रिड, बस परसेंटेज बता दो हमको आराम से। यहां हाइब्रिड 100% और यहां हाइब्रिड 50%, यहां तो, यहां तो घटाते चले जाना। परसेंटेज में अगर पूछेगा तो भी आप बता सकते हो। ये सवाल पिछली बार आया है और ये पिछली बार पहली बार नहीं आया है, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर। किसी भी जनरेशन के बाद, किसी भी जनरेशन के बाद हैवी नहीं बनाओगे, वो जीरो रखोगे, और हाइब्रिड दो रखोगे, और बाकी जितने होंगे वो सब के सब लाइट होंगे। रटने वाले सवाल, इन्होंने ग्रो कराया इकोलाई को किस मीडियम में, वो अमोनियम क्लोराइड जिसमें क्या था N15, N15 क्या है, हैवी आइसोटोप है, इसी को एज ए नाइट्रोजन सोर्स रखा। रिजल्ट में क्या हुआ, N15 इनकॉर्पोरेट कर गया, किससे, नए डीएनए से, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई और रखा ही नहीं था। जहां जहां नाइट्रोजन यूज होगा वहां वहां N15 यूज हो जाएगा। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं किससे, किस प्रोसेस से, किस मीडियम में, तेज नहीं बोल रहे हो, कौन सा, सीजियम क्लोराइड। याद रखो अगर आप प्लीज नोट, तो एग्जामिनर को तो नोट ही हो गया है, क्या N15 क्या नहीं है, तो किससे इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। रेडियो ट्रेसर टेक्निक यहां यूज नहीं हो सकती, यहां क्या यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको सेपरेट करेंगे N15 से किसके आधार पर, डेंसिटी, तो जो हैवी होगी वो नीचे, जो लाइट होगी वो ऊपर। इन्होंने ट्रांसफर किया सेल को मीडियम में, वहां क्या दिया, नॉर्मल दिया N14 वाला, और कहा सैंपल देखा कई इंटरवल के बाद, तो इन्होंने बताया क्या कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है, वेरियस सैंपल सेपरेट, किस आधार पर, सीजियम डेंसिटी के आधार पर, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, तो क्या इनको देखने को मिला था, वो यहां दिया हुआ है। तो पहले में देखो क्या है, एक डीएनए पूरा का पूरा हैवी, दो डीएनए दोनों के दोनों, चार डीएनए दो क्या हो गए लाइट, दो क्या हो गए, आगे बढ़ाओगे आगे मिलेगा।
DNA that were extracted from culture 1 after transformation 2 N15 to N14 after 20 minute, क्योंकि E. coli divide करता है 20 minute, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? Hybrid. लेकिन जब इन्होंने 40 minute बाद लिया तो क्या मिला? तो equal amount, जरा आराम से बताओ, ये question exam में ऐसा चाह जाएगा, equal amount of hybrid and light DNA कब मिलेंगे? दूसरे generation बाद, कब सिर्फ hybrid मिलेंगे? एक जनरेशन, कब दोनों बराबर मिलेंगे और कब बढ़ने लगेंगे? थर्ड जनरेशन और उसके बाद बढ़ने लगेंगे। कह रहा अगर इसको 80 मिनट ग्रो कराओ तो बताओ कितने लाइट होंगे, कितने हाइब्रिड है? 14 लाइट और 2 हाइब्रिड। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किसने किया? किसने किया? टाइलर और उनके साथियों ने किया। कब? इन्होंने क्या यूज किया और इन्होंने दिखाया क्या? न्यूली सिंथेटिक डीएनए इन किसमें किया? यह एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए अगर क्रोमोसोम में भी है तो उसका भी रेप्लिकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव। बस थोड़ा सा बचा है, खत्म। ये मशीनरी खत्म कर लें जिससे कि हम यहां शुरू करेंगे अगले लेक्चर पर। बस 5 मिनट लगेगा। इन द लिविंग सेल, किसी भी लिविंग सेल में जैसे इकोलाई, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, थोड़ी देर बातचीत ना करें, थोड़ी देर सुन लें। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर एंजाइम, ये टिक कर लो। मेन एंजाइम कौन सा है? ये यूज करता है किसको और इससे पॉलीमराइजेशन करता है किसका? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। एंजाइम हाईली एफिशिएंट है, ये पॉलीमराइजेशन को करेगा लार्ज नंबर इन वेरी, कह रहा है इकोलाई जिसमें इतने बेस पेयर हैं, हम लोगों की तुलना में हमारे पास इतने हैं, इकोलाई में सारे डीएनए को कितनी देर मल्टीप्लाई कर देंगे? 18। ध्यान सुनिएगा, इकोलाई का डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट में, इकोलाई मल्टीप्लाई करती है 20 मिनट में, क्योंकि जो पूरी सेल साइकिल है उसमें G1S G2M है, जो S फेज है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। बाकी सारा काम 2 मिनट में हो रहा है, तभी तो 20 मिनट में हो गया। अगर एवरेज निकालें तो लगभग 2000 बेस पेयर इतनी स्पीड है। कह रहा है ये सिर्फ फास्ट ही नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट भी है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई, एक ही जगह टी लगा दिए तो तुरंत पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा और फिर सिकल सेल एनीमिया दिखाई पड़ेगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा किसके नाते। ये भी अच्छी लाइन, एनर्जी कहाँ से लाओगे? बांड बनाना है तो एनर्जी लानी पड़ेगी, एनर्जी ऑफ रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। ये टिक कर लो, क्या लिखा है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है और यही क्या देता है? एनर्जी। कैसे? तीन फास्फेट हैं, दो फास्फेट हटाओ एनर्जी निकलेगी। दो फास्फेट कौन से हटाओगे? जैसे किसमें दो फास्फेट हटाते हो? एटीपी। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत और से भी एंजाइम लगते हैं, जैसे कौन सा? स्पेशली अनवाइंडेज याद रखिएगा या हेलिकेज याद रखिएगा, क्योंकि डीएनए हेलिक्स को खोलना भी होता है। लिखा है फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल दोनों स्टैंड कैन नॉट बी सेपरेट इन। एग्जाम में जल्दी में ना पढ़िएगा, ऐसा ना करिएगा कि पूरा डीएनए बढ़िया खोल के इधर उधर टांग लिया, फिर आराम से इधर रेप्लिकेशन करा रहे हैं, इधर करा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट, पूरी लेंथ नहीं खोलेंगे। क्यों? तो जहां ड्यू टू लिखा है, डीएनए की पूरी लेंथ नहीं खोली जाती है। क्यों? रेप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग, और उस जगह कहते क्या है?
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, इसको टिक करो, ऐसा सच एग्जाम में आया है। ये पॉलीमराइजेशन करेगा केवल एक दिशा, वो दिशा कौन सी है, और इसी के नाते एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्यों? जब हम रिप्लिकेशन फार को देखेंगे तो एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी कैसी होगी, वहां क्या होगा, कंटिन्यूअस, लेकिन दूसरी जिसकी पोलैरिटी 5-3- उसकी क्या होगी, तो जो डिसकंटिन्यूअस होंगे उनको बाद में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, किस एंजाइम से। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डीएनए पॉलीमराइजेशन में एंजाइम कौन से लगे, तो कम से कम दो तो नाम बता ही देना, एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और एक द डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, अपने दम पर नहीं कर सकता है। इट आल्सो द रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, कहीं से शुरू भी नहीं हो सकता है, जिस जगह से शुरू होगा डेफिनेट रीजन से शुरू होगा और उस जगह का नाम क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये एक लाइन ऐसी यहाँ लिखी है जिसका वास्तव में रिलेशन बायोटेक्नोलॉजी से है। सीधी सी बात यह है कि मान लेते हैं कि हम लोगों का इतना लंबा डीएनए है और इतने लंबे डीएनए में से इतना हमारे काम का डीएनए है, तो आप करते क्या हो, यहां से काटोगे, यहां से काटोगे और इस टुकड़े को उठा लोगे और इसको ले जा करके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ दोगे। क्यों, जोड़ने की क्या जरूरत है, ऐसे सीधे ना डाल दीजिए, तो देखो क्या गड़बड़ी होगी। ये हम लोगों का डीएनए है, हो सकता है ये वो हिस्सा हो जहां ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। डीएनए तो काट के ले आए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो वहीं रह गया, तो क्या ये मल्टीप्लाई करेगा, नहीं। अगर चाहते हो ये मल्टीप्लाई करे तो इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड खोल दिया गया, अब ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और मान लेते ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो यहां लाके क्या करो, इसको जोड़ दो। तो ध्यान से सुने, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों प्लाज्मिड की आवश्यकता है, तो प्लाज्मिड क्या देगा, तो देखा लिखा है इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसी नाते पीस ऑफ डीएनए नीडेड टू प्रोपेगेट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, इसको क्या चाहिए, ध्यान से सुने, एसर्शन, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में वेक्टर चाहिए। क्यों, क्योंकि वेक्टर ही क्या प्रोवाइड करेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लाइन बहुत बढ़िया लिखी, एग्जाम में आई कभी नहीं है लेकिन उम्मीद है आ जाएगी। फिर से सुनते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर की आवश्यकता होती है, क्यों है? तो कहोगे वेक्टर क्या देता है, कह रहा बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आया है, बताए ही नहीं है, फिर भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन हाईली क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया और डिवीजन नहीं हुआ, तो डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएंगे। फेल्योर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, क्या रिजल्ट देखा, पॉलीप्लॉइडी। यू विल लर्न डिटेल इन द नेचर ऑफ ओरिजिन एंड प्रोसेस अकरिंग इन हायर, इधर देख लो जरा, जिस पर्टिकुलर स्टैंड में 3- किधर होगा, फार की तरफ, वही कंटिन्यूअस होगा, और जिसका 5- फार की तरफ वो डिस्क है, इसी का दूसरा नाम लीडिंग है और इसी का दूसरा नाम लैगिंग, तो यहां लीडिंग लिख दीजिए और यहां लैगिंग लिख दीजिए। तो लीडिंग स्टैंड कौन होगा, जो 3-5- और लैगिंग कौन होगा, 5-3-, बस आज इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, कल है संडे, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे, कल संडे, देखिए कल है संडे, सुबह 8 बजे मिलेंगे, कल कल सुबह 8 बजे मिलेंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनको लेक्चर मिलेगा।